जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर चल रहा है। कल प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की ओर से, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा और इसके साथ साथ झुंझुनू, करौली का इलाका भी है। सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी का दौर और ज्यादा तेज हो सकता है। इसके तहत घना कोहरा और कोल्ड डे रहने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। कल अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम को लेकर के। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का सितम, मरुधरा में जमकर बरसने वाले हैं मेघा। कल कई जिलों में कॉल्ड करेगा वार। 8 जनवरी से मौसम में हो सकता है बदलाव। मरुधरा में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की धुजनी छुड़ा दी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पारा लगातार 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। प्रदेश में सीकर सबसे सर्द इलाका बना हुआ है। बीती रात को सीकर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अजमेर में 8, भीलवाड़ा में 9, वनस्थली में 6.8, अलवर में 8.8, जयपुर में 7.4, पिलानी में 8, चित्तौड़गढ़ में 7.8, उदयपुर में 8, धौलपुर में 7.7, सिरोही में 4.1, फतेहपुर में 6.2, करौली में 7.4, जैसलमेर में 6.7, फलौदी में 7, बीकानेर में 6, श्री गंगानगर में 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश में एक सिस्टम के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होने के आसार जताए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन इसका असर कल से नजर आ सकता है। कल कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 8 जनवरी को कोटा, अजमेर, भरतपुर और जयपुर में कहीं कहीं संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कल 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कोहरा और कोल्ड डे की संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक कल अलवर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो पूरा प्रदेश कड़ाके की सर्दी की चपेट में है और ऐसे में रेल यातायात की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोहरे के कारण अब ट्रेनें लेट नहीं होंगी। इसकी पुख्ता तैयारी रेलवे की तरफ से की गई है। ये तैयारी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। घना कोहरा हर साल ट्रेनों की रफ्तार को थाम देता है। कई ट्रेन लेट तो कई रद्द करनी पड़ती है, लेकिन इस बार रेलवे की तैयारी बहुत आगे की है। अब खराब मौसम ट्रेनों की रफ्तार को नहीं थाम पाएगा। ट्रेन लेट होने से यात्रियों को भी भारी परेशानी होती है और ऐसा हर साल होता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। कोहरे के कारण रद्द होने वाली ट्रेनों की संख्या बेहद कम है या फिर ना के बराबर है। इस बार पूरे NWR जोन में बेहद आधुनिक 881 फॉग लाइट्स का इंतजाम किया गया है। जहां जहां घना कोहरा है वहां ये फॉग लाइट्स लोको पायलट को रास्ता दिखाने में मदद करती है। केवल फॉग लाइट्स ही नहीं बल्कि ट्रैक के किनारे लगे सभी साइन बोर्ड को फिर से रीपेंट किया गया है, ताकि चमकीले साइन बोर्ड की वजह से रेल ट्रैक पर ही बनी रहे और जिन ट्रैक पर ज्यादा सर्दी की वजह से क्रेक आए हैं उनकी पहचान पेट्रोलिंग के जरिए की जा रही है। सबसे ज्यादा घना कोहरा NWR में जयपुर और बीकानेर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर है, लिहाजा इस पूरे रूट की GPS मैपिंग की गई है। जो लोकोमोटिव होते हैं, इंजन होते हैं, उसमें हमने फॉग सेफ्टी डिवाइस लोको पायलट को प्रोवाइड किए हैं। ये फॉग सेफ्टी डिवाइस जो है सिग्नल की जो लोकेशन है, जो डिस्टेंस है, वो लोको पायलट को विजुअली अलार्म के रूप में बताते रहता है, विजुअली भी और अलर्ट के रूप में भी। तो इससे लोको पायलट जो है सतर्क होकर के उसको पता रहता है कि कितनी दूरी पे कौन सा सिग्नल आने वाला है। वहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोहरे के कारण ट्रेनों को रद्द नहीं किया गया। पिछले सालों में कोहरे में रद्द होने वाली ट्रेनों का आंकड़ा 2 से 4 दर्जन तक होता था,
अब आधुनिक तकनीक के सहारे रेलों को सुचारू रखने की कोशिश की जा रही है। जो सर्दियों के दौरान खास करके रेल फ्रैक्चर और वेल्डिंग फ्रैक्चर की समस्या आती है, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत वेरिएशन होता है, तो जो पेट्रोलमैन होते हैं जो कि ट्रैक पे चलते हैं उनको भी बहुत ही हमें सतर्क रहने को कहा है और कोई भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत ही कंट्रोल को अलर्ट करने को कहा है। फिलहाल NWR का दावा है कि कोहरे से निपटने की पूरी तैयारी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जब घना कोहरा ट्रैक पर देखने को मिलेगा तो ट्रेनें यथावत जारी रहेंगी या फिर एक बार फिर से उन्हें रद्द करना पड़ेगा। मोहम्मद आसिफ, न्यूज 18, राजस्थान। तो चलिए